सत्ता बदलते ही पाला बदलती है पुलिस। खादी खाकी गठजोड़ पर सुप्रीम प्रहार। छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी गुरजिंदर पाल सिंह से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने भले ही अभी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ऐसे पुलिस वालों को और ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह पर जब छापा मारा गया था, तब उनके पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति होने का पता लगा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की जो देश के भ्रष्ट पुलिस अफसरों को संदेश है कि न भ्रष्टाचार करें और न भ्रष्ट नेताओं का साथ दें, वरना अंजाम भुगतना होगा, वो भी ब्याज के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं और नौकरशाहों की गठजोड़ को लेकर सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने इस गठजोड़ की स्थिति को दुखद बताते हुए कहा कि देश में स्थिति दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो पुलिस अधिकारी एक विशेष दल के साथ होते हैं, फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। ये एक नया चलन है जिसे रोकने की जरूरत है। जस्टिस एनवी रमन्ना ने खुलकर कहा कि देश में ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसर जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। सरकार के साथ मिलकर अवैध तरीके से पैसा कमाने वाले अफसरों को जेल के अंदर होना चाहिए। सीजीआई ने इस तरह के मामलों के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात भी कही जो इस तरह की शिकायतों की जांच करेगी। उन्होंने कहा, मुझे आपत्ति है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी, खासकर कैसे पुलिस अधिकारी इस देश में व्यवहार कर रहे हैं। एक बार मैं सोच रहा था एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने की, ताकि वो ब्यूरोक्रेट्स, खासकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आने वाली इस तरह की शिकायतों की जांच कर सके। इस कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते। अब मैं इसे सुरक्षित रखता हूं, मैं इसे अभी नहीं करना चाहता। सीजीआई रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की दायर की गई 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। जीपी सिंह ने अपने खिलाफ राजद्रोह, भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की 3 FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।